कष्ट क्यों कर रहे हैं, मैं चाय नहीं पीती हूँ नहीं पीती हूँ मैं चाय। डेयरी में दूध तो सबके यहाँ मिलता है, इनके वहाँ गार्नियर मिलता है। तो दोस्तों मुल्तानी मिट्टी लगा के थोड़ा गोरी हो रही बेचारी। रोई दो, नहीं रोऊंगा। आपके फैंस आपको बहुत मिस करेंगे, मैं तो नहीं करूंगी। खैर गाड़ी हो गई है लेट और अब जाएंगे थोड़ा सा लेट, तो अभी बनती है रोटी, फिर ये लोग जाना मॉर्निंग के 6:30 बजे से और बढ़िया सा मौसम हो रहा है आज का। हल्के से बादल लगे हैं और धुआं धुआं ही हो रहा है, मतलब क्योंकि आग लगने की वजह से जंगल पूरे जल चुके हैं, सुहा हो चुका है। तो एक नई सुबह के साथ, एक नए दिन के साथ आज का ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं, और मैं जा रही हूँ खटीमा की ओर। तो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा मुझे, काम धाम सब ख़त्म करके अब मैं घूमने जाऊँगी। तो चलते हैं भाभर के बूबू के साथ, मैं और वो, हम दोनों जा रहे हैं। बगिया में गुलाब के फूल खिल चुके हैं और एक फूल लेके जाते हैं अभी टीका लगाने के लिए, एक दो ये ले जाते हैं। तो मुडॉन बाहर आ चुके हैं हमारे सारे जानवर, खा रहे हो रोटी, खा रहे हो। आज से कब होगी मुलाकात पता नहीं तुमसे, ब्लॉग में अंतिम बार दिखेंगे दोस्तों, कहाँ जिता रहे हो, मिस करेंगे 8-10 दिन तक आपको। हम जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? रोई दो, नहीं रोऊंगा। आपके फैंस आपको बहुत मिस करेंगे, मैं तो नहीं करूंगी। खैर मेरे, आप मेरे फैंस, आपके फैंस करेंगे। जी जी कमेंट करें, मैं कमेंट पढ़ू ना मैं की करूं, मैं कमेंट कर चिक्का कर इधर कर रहा है कि मतलब भर जान चाहिए 1K है जब कमेंट, भले ही लाइक 200 हो चलो कमेंट 1K पूजा दिया जी की नहीं हो जी बोल। अभी आज जाने की तैयारी कर रहे हैं मॉर्निंग में, कितना बजे रहे मॉर्निंग हो? अब बजे 6:30 हो, जाओ जाओ फिर जाओ। खेचवा खाने में क्या है भाई, इंसान खेचवा नहीं खा रहा, जानवर को खेचवा दिया जा रहा है ऐसा पापा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। कैसा बना रखा है आपने खेचवा, क्या डाला है इसमें ये बता दो, खेची में क्या पड़ता है वो बता दो। कलर है तो खेचवा थोड़ा हो जाएगा, फिर वो बिगा बेचा थोड़े आटा डाला होगा, चावल डाले होंगे, थोड़ा दो डाला होगा, दूध भी तो दे रही है फिर आपको, आपका इंतजार करते हैं ये रोटी देने के लिए। जितना हेलो आपका जितना नाश्ता नहीं बनता उतना मेरे जानवर ही खाते हो वो वो आपकी बेइज्जती हो रही है देखो, जितना आपका नाश्ता नहीं बनता उतना मेरे जानवर खाते हैं बोले वेस्ट क्यों करना है वो फिर भी है। अब हमारे जानवर हुए ना ठीक ही हुआ, इनका बहुत वेस्ट होता है, सोजा भरा है, इतने अच्छे मोटे हो रहे, गरम करके नहीं खा सकते थे ये लोग। अभी कहाँ होंगे, अभी क्यों लाए आप, ताजे थी वो, मैंने अभी बनाई थी वो, मैं कहाँ में उठी तो कहाँ से लाए फिर। ड्राइवर कभी भी टाइम पे नहीं पहुँचते हैं, हमेशा लेट ही करते हैं, 8 बजने वाला अभी तक नहीं पहुँचे यार। तो गाइस दोबारा तवा चढ़ चुका है और रोटियां और दोबारा बनाई जा रही है, गाड़ी हो गई है लेट और अब जाएंगे थोड़ा सा लेट, तो अभी बनती है रोटी, फिर ये लोग जाना खा के जाएंगे। अब भात है भी नहीं, रोटी कहाँ खाया, रोटी तो चल ठीक है, घर वालों के और लोगों के लिए बन रही है, मैंने कहा खाली यहाँ बैठी रहूंगी, हेल्प कर देती हूं। चलो ठीक है भाई, आपको हैप्पी जर्नी, हम भी जाते हैं विद्यालय की ओर, आपको मिस करेंगे आपके। ठीक है भाई भाई। तो भाभर के बूबू को टीका चंदन लगा रही है मम्मी जी और आज ये जा रहे हैं, तो टीका वीका लगा के हम लोग निकलते हैं अब। के ले जाओ वरना दब जाएगा। अम्मा ये पापा दुरागन, वैसे
घर से लेट हो रहे थे बेचारे यार, सब सवारी धोखा दे रहे हैं ड्राइवर अंकल जी को, जितने पैसे थे वो भी गायब हो गए। अब 3-4 सवारी मिले खटी में जाने। आजकल अब बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है यार, गाड़ियों में कोई जाना नहीं चाह रहा, कोई कार में कोई किसी में, अपने पर्सनल गाड़ी है तो पैसेंजर वाले में कम जाना पसंद कर रहे हैं। पिते हैं गाड़ी में अच्छी, लंबा सफर तो होना ही नहीं चाहिए यार, लंबे सफर में हालत खराब हो जाती है। मैं ज़्यादा लंबा सफर तय नहीं करती हूँ, कभी कभी मौका मिलता है जाने का तो चली आती हूँ। मुझे पसंद भी नहीं है यार ट्रैवल करना, छी सर दर्द उतना ही होता है, वो तो मुझे उल्टी कभी कभी होती है, वैसे कार वार में होती है, गाड़ियों में नहीं होती, इसलिए सही हो जाता है। अभी सब खाना खाने के लिए रुके हैं, मुझे तो खाने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं सुबह रोटी खा के आई थी, भूख तो लगी नहीं है, तो मैंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक ली है, ये इसको पियूंगी, मेरा पेट भर जाएगा इससे ही। अब पैसेंजरों से पंगा तो नहीं हो रहा आपका, सब जा रहे हैं आपके? वो चला गया, वो भी चले गए जो बैठे थे। कैसे हैं आप? भावर की अम्मा कैसे हो? ओहो, मैं तो गेहूं काटने आई थी, हम तो रुपाई लगा दी। हम दिल्ली पहुंच के घर आ जाते हैं, रात के 6 बज गए हैं, सुबह के 6 बजे के इंतजार से तो अब तो पहुंच ही गए हम खटीमा। इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं, मैं चाय नहीं पीती हूँ। नहीं पीती हूँ मैं चाय, सही में नहीं पीती हूँ यार। इतना कष्ट मिले क्यों कर रहे हो आप, अपने लिए हो रहा था या मेरे लिए? भाई मैं क्या कहूँ, मेरी हालत ऐसी हो रही ना सफर में, बहुत ही गंदा हो रहा है मेरे साथ। अब सो जाती हूँ थोड़ी देर, कैसा लग रहा है मैं आई हूँ आज? बढ़िया लग रहा है यार, लेकिन आप चाय नहीं पी रहे। लेकिन क्या लेकिन? आप चाय नहीं पी? ये लेकिन क्यों बोला? लेकिन आपने चाय भी पी? चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, वैसे भी तुमको पता ही है वो ठंडे के टाइम पे आई थी तब पी ली थी मैंने, जब कोहरा लगा हुआ था। अब गर्मी नहीं, अभी भी कहाँ गर्मी हो रही है, इधर गर्मी गर्मी अच्छा गर्मी हो रही है। एक और स्वेटर दे देना यार, और एक और मोटी वाली रजाई दे देना शाम को ओढ़ने के लिए, बहुत ही ठंडा हो रहा है। पहाड़ों में बहुत गर्मी पड़ने लग गई है, वहाँ तो अब कंबल की जरूरत पड़ती है, यहाँ तो रजाई रजाई होनी पड़ेगी शायद। मुझे ऐसा ही लग रहा है। अभी दिसंबर चल रहा है क्या चल रहा है? कौन से स्कूल में पढ़ती हो तुम? मैं 9वीं पास हुई, स्कूल मेरी पढ़ती हूँ। मैं स्कूल जाती नहीं हूँ, जाती नहीं मैं स्कूल। दिसंबर ही जनवरी लगने वाला है थोड़े दिनों में, हाँ तभी तक ठंडा हो रहा है। मैं जो कहूँ क्यों, बर्फ पड़ने वाली ऐसी हो गई बाहर तो ऐसा ही लग रहा है बर्फ पड़ने वाली है। प्रभु पहले बारिश तो हो जाए, बर्फ तो भी पड़ेगी। हम जा रहे हैं डेयरी, क्यों जा रहे हैं? चलो गार्नियर लेने, बाल सफेद हो गए हैं, बढ़िया हो गई। डेयरी में दूध तो सबके यहाँ मिलता है, इनके वहाँ गार्नियर मिलता है। हमारी मैंने तो सुना था डेयरी में दूध दही ये सब चीजें मिलती है, वहाँ मेहंदी मिलने लग गई यार। ऐसी डेयरी तुम्हारे वहाँ अनोखी वाली यार, मैंने सोचा था मैं यहाँ आके गेहूँ काटूंगी, अपने घर का काम खत्म करके मैं यहाँ आई थी गेहूँ काटने, तुम लोगों ने तो गेहूँ काट के रोपाई लगा दी यार। भावर के ने मुझसे बोला था कि चल बेटा रोपाई, वहाँ को लगी है रोपाई वो। अच्छा मैंने सोचा है क्या बोलते हैं भावर के वो कहते चल बेटा वहीं चला, थोड़ा वो करने लगेगी गेहूँ काटने लगेगी, वहाँ का काम खत्म हो गया करके यहाँ आई, तो यहाँ तुमने पहले क्यों नहीं बोला? खाली जो आई हो रही है मुझे तो अब जी। तो हाथ पाँव में खुश लग गया, काम नहीं करती हूँ तो। मुझे तो लगा था पहाड़ के लोग ही पतले होते हैं, यहाँ तो खटीमा के लोग भी इतने पतले हैं यार, ये हम अभी ऐसी पतली है हम तो मुटने पर मनी खटीमा रहे बेरे। क्यों होते सब पद्धे खटीमा के लोग, देखे ही है मैंने। मैं आपके जानू ये देखो, ये एक घंटे में करके एक घंटे में बो के काट के खा भी लेते हो। कहाँ पहाड़ों में एक साल रुकना पड़ता है तुम्हारे, यहाँ साल में 3 खेतियाँ हो जाती हैं, होती है नहीं बताओ 3 तो इसलिए कौन सा अभी तुमने क्या किया? क्या किया हमने? कुछ नहीं किया हमने, अभी अभी गेहूँ काट दिए, फिर रोपाई लग जाएगी, फिर तुम्हारे गन्ने हो जाएंगे। पहले ऐसी इतना ही विकास था, अभी आई इतना ही विकास है, डामर भी लगा सके अभी तक, ये खटीमा वाले यार अभी डूबूंगी तो अगर इसमें रोपाई उठाएगा यहाँ से। डामर वाला नहीं, हमारा थोड़ा प्रोफेशनल बन रहा है, चल भी नहीं पा रही हूँ यार, फिर वाली टाइल यहाँ हमारी टाइल वाली रोड बन रही है, अभी देखना आप अगली बार आओगी जब। तुम पहले यार रोड ही बिछा दो, डामर ही लगवा दो, टाइल नहीं लगेगा ना, टाइल लगेगी। हाँ यार पिछले बार भी धूल ही धूल खाई, इस बार भी धूल ही खाने को कह रहे हो मुझसे, यार क्या खाऊंगी यहाँ के, खा दो धूल भाई। यहाँ देखो ये क्या तुम्हें खटिया में रखी, तभी नहीं पता कि रुपाई लगी हमारे गांव में करके, कुछ और लगा रखा है भाई, धान है वो रुपाई लग चुकी है। ये देखो ना ये कुछ यहाँ पे पहले लग गई होगी तो यहाँ पे अच्छा हो रहा है,
ये आजकल लगी है। तुम मुझे बताओगी कि क्या लगा रखा है करके? बेशक तुम मेरे से किसमें बड़ी हो, किसमें बड़ी है मुझसे? रहती तुम मैं हूं ना यार, बेशक तुम मुझसे रिश्ते में बड़ी, लेकिन उम्र मुझसे छोटी हो, तुम्हें मुझसे कम ज्ञान होगा। भाई ये रुपाई लगी है, वो वहाँ पे भी रुपाई लग रही है, वो पल्ली साइड भी। अरे यार मुझे नहीं पता था यहाँ पे डेयरी में खाने पीने की चीजें भी मिलती है। आते ही कहा था मैंने वहाँ खाने पीने की चीजें मिलती। पैसे लाना ही भूल गए अभी क्या पता? तुमने बोला थोड़ा अभी दुकान है कि कुछ तो खाते अभी। और पांच ताने मार रहा था मुझे, तुम्हारी डेयरी में खाने की चीजें भी मिलती है। खाने की नहीं बोला मैंने, गोदरेज आवाज आ रही थी तेरे घर में भी नहीं आई थी इसके घर में। और 5 रुपए का क्या लाई? 4 सितारा लेके आई है। क्या लाऊंगे? उधारी कर लेते, कल ले देते उनको पैसे। खेलने में 1 घंटा पर लगा दे, तब तक डब्बे से निकाल ही लो इसको। चलो चांद सितारे फूल और हो गया भाई, इतना ही खाऊंगी। तो खाने में रोटियां और कद्दू की सब्जी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो रही है, तो मैंने एक टुकड़ा खा भी लिया है इसमें से। मैंने कहा आपको बता देती हूँ सब्जी कैसी हो रही है, इसलिए मैंने शूट कर लिया अभी। तो दोस्तों मुल्तानी मिट्टी लगा के थोड़ा गोरी हो रही बेचारी अभी मुल्तानी मिट्टी से मुंह धो रखा है इन्होंने। और भी धोया है मैंने, गांव में काम किया, मैंने कहा काली हो गई, दोनों लगा लेते हैं जब भी हम यहाँ आते हैं, जो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। पिछली बार भी किया था और इस बार भी, तो दोनों गोरे हो रहे हैं आज, मतलब मैं तो ज़्यादा ही हो रही हूँगी इतना काम कर करके काली भुसंडी हो गया थी मैंने गोरा कर दिया। इनका तो कुछ काम होता नहीं है, तो ये वैसे भी गोरी ही है। तो भाई खाना पीना तो खा ही लिया है, अब सोने की तैयारी करते हैं। भाई जल्दी भी उठना है कल, और कहीं जाना भी है, तो कहाँ जाएंगे वो ब्लॉग में आपको पता चलेगा। सस्पेंस बनाई रखिए, अभी से बता दूंगी फिर आप देखोगे है ना। तो इतनी नींद आ रही है, बहुत गंदा सफ़र था आज का, सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक लगा लो, तो बहुत लेट पहुँचे हम। पहली बार ऐसा होगा हमारे साथ कि पैसेंजर भी बार बार उतर के बाहर चले जा रहे हैं, मतलब कि आधे पैसेंजर बैठ रहे हैं फिर आधे गायब हो जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ड्राइवर अंकल जी भी 2-3 पैसेंजर को बिठा के लाए आज, तो उनके लिए भी बुरा ही था। तो मिलते हैं बढ़िया सीटों के साथ, लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना कैसा लगा। बाय बाय।